तो गाइस ये है मेरा सेटअप टूल, ठीक है सेटअप टूल वीडियो। बहुत तो टाइम से करे? तुम्हें चाहिए था इसको। ये रहा मेरा रूम, जैसे ही आप जाते हो अंदर, ठीक है ये दिखता है मस्त सा। उसके बाद में ये मेरी गेमिंग चेयर, ठीक है धीरे धीरे सब कुछ बताता हूँ, हम क्लोज जाएंगे। अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मेरा सेटअप बॉक्स, ठीक है जिससे मुझे नेट जियो का, ये सेटअप बॉक्स जियो फाइबर है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा आता है पीसी, ठीक है ये वाला पीसी आता है, जो कि यू नो मैं इसका जो भी है लिंक में डाल दूँगा, क्या बोलते हैं अपना स्पेक्स। उसके बाद में अपना आता है ये कैमरा जिससे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है। और अंदर RGB वगैरह लगी हुई है जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। दो फैन है इसमें, दो फैन फ्रंट की तरफ, ऊपर दो फैन है, टोटल 6-7 फैन लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ZOTAC का लोगो है, ठीक है। और ये जो मैंने कुछ चिपका रखा है वो हेलमेट के साथ मुझे कुछ मिला था स्टिकर, तो मैंने इस पर लगा दिया क्योंकि वो जो ग्लास है उस पर स्क्रैचेज आ चुके थे। स्पेक्स की बात करूँ तो ये 2060 सुपर है, ठीक है, और राइजन 5 3600X है, और मदरबोर्ड नॉर्मल वाला है, उतना हाई एंड नहीं है बट कैपेबल है। और उसके बाद में जो रैम लगी हुई है वो तकरीबन यू नो 8 GB की रैम है, 3200 MHz की रैम है, और ज़्यादा कुछ नहीं। जो पावर सप्लाई है वो तकरीबन आई थिंक 750 उसका है, वोल्ट का है, यप। और ये है मेरा सेकेंड मॉनिटर, अभी मेरी स्क्रीन लॉक है इसलिए वॉलपेपर दिख नहीं रहा होगा, अभी खोलेंगे अपन। और ये है मेरा माइक, प्यारा सा देख रहे हो तुम, ठीक है। ये मेरा माउस पैड है रेजर का, मेरे पास 3-4 और माउस पैड है, हाइपर एक्स का भी है, बट अभी मैं ज़्यादा गेम नहीं खेलता, फिश शूटिंग गेम एपिक्स वगैरह, इसलिए मैंने ये रख रखा है क्योंकि वो पूरा टेबल की जगह लेता है। उसके बाद में आता है ये है हमारा कंट्रोलर, इससे मैं GTA 5 खेलता हूँ ज़्यादातर, इससे ड्राइविंग इसी से करता हूँ, बहुत बढ़िया है कंट्रोलर अगर तुम देखोगे तो, यू नो। बाद में माउस भी बहुत सही है एकदम, नीचे आया नो कि बहुत वायरिंग वगैरह है बट उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, बट वो ख़राब दिखता है नो, बट जल्दी उसका कुछ करोगा। उसके बाद में आता है ये है अपना कीबोर्ड, अपना कीबोर्ड रेड गियर का है, ये बटन टूट चुका है, वो बटन तक हम जाएंगे वापस, अंदर पड़ा हुआ है तुम्हें पता होगा। ये नॉर्मल ईयरफोन है, मॉनिटर में लगा रखा है मैंने, पीसी में नहीं लगाया क्योंकि अगर पीसी में लगाता हो तो यहाँ तक नहीं आ पाता क्योंकि पिन है ना जो वो बहुत दूर पड़ता है। उसके बाद में मैं तुम्हें एक फ्रंट लुक दूंगा अपने पूरे सेटअप का, ये पीछे का पूरा वायरिंग जो कि तुम बिल्कुल देखना पसंद नहीं करोगे बट मैं फिर भी तुम्हें बता दूँ, यू नो। उसके बाद में आता ये फ्रंट लुक, ऑसम एंड द ऑसम लुक। अगर मैं कोशिश करूँगा यू नो कि मैं एक नाइट लुक भी दे दूँ, मतलब नाइट में मेरा सेटअप कैसा लगता है वो, ठीक है। और यहाँ से ऐसे लगता है मस्त पेक एकदम, जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा बढ़िया सा सेटअप है, यहीं पे मैं चिल मारता हूँ, मतलब ड्रीम सेटअप है पक्का, समझ लो, ठीक है। और ये जो टेबल तुम देख रहे हो ये प्योर ऑस्ट्रेलियन मार्बल का है, ठीक है, मकराना या ऑस्ट्रेलियन जो भी तुम बोल सकते हो। और जो नीचे मार्बल है वो सपोर्टिव मार्बल है, और ये पूरा फोल्डिंग है, ठीक है, ये पूरा फोल्डिंग टेबल है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो गैप है, तुम निकाल सकते हो, वापस किधर भी लगा सकते हो, ऐसा ऐसा फिक्स नहीं है पूरा, ठीक है, क्योंकि फोल्डिंग अच्छा रहता है इसलिए, बट मार्बल में फोल्डिंग रिक्स है, बट यहाँ पे दीवार का आजू बाजू सपोर्ट है थोड़ा इसलिए चल जाता है। नीचे वाला मार्बल सपोर्टिव मार्बल है, वो अपना यू नो स्ट्रॉन्ग मार्बल आता है ना वो है, इसलिए तुम देख रहे होगे इसमें डाग वगैरह है, सब कुछ है। और ये है हमारा सिलेंडर, अभी तुम सोच रहे होगे यहाँ पर मैंने सिलेंडर क्यों रखा है, मैं सिलेंडर इसलिए रखा है क्योंकि ये एक्सरसाइज के काम आता है, एक खाली सिलेंडर है, ठीक है। और ये स्टूल है यहाँ पे जो कि बैठने के काम आता है, ऑफकोर्स आई डोंट नो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, ऑफकोर्स स्टूल है बैठने के काम आएगा, नहीं
ये ज़्यादातर ना काम में आता है, मतलब ऊपर चढ़ो, झाड़ू वाड़ू से साफ़ करो दीवारें वगैरह। उसके बाद में नॉर्मल चेयर है, जब भी मैं इस चेयर से बोर हो जाता हूँ, जो कि होना नहीं चाहिए, बट फिर भी आई गेट बोर्ड समटाइम, तो मैं ये चेयर यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें और एक चेयर के साथ बता देता हूँ, चेयर के साथ ये कैसे लगती है, कुछ ऐसा मस्त सा दिखता है अगर तुम देख पा रहे हो तो, यू नो। उसके बाद में आता अपना ये, ठीक है, यहाँ पे सोयाबीन पड़ा है, यहाँ पे पीनट पड़ा है, ये सब प्रोटीन के लिए, यू नो। यहाँ पे बुक पड़ी है जहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई आज क्या रूटीन रहेगा क्या नहीं, वो सब। वैसे भी सारा नॉर्मली रूटीन रहता है, बट इसमें मैं मेनली अपना वर्कआउट का रूटीन लिखता हूँ। ये मैं खाना गिन के खाता हूँ आजकल, बट अभी आदत हो गई, अभी समझ ना आ चुका है, तो अभी मैं उतना फोकस नहीं करता। ये मेरी मच्छरदानी है, ये मेरा तकिया, ये मेरा यू नो क्या बोलते अपना ओढ़ने के लिए है, मैं बेसिकली मैं ये मेरा बिस्तरा है समझ लो। उसके बाद में ओए ये क्या है, ये तो मेरा नहीं, मेरे रूम में क्या कर रहा है, नो वे। हाँ ये मेरा है, ये शेविंग मशीन है, ठीक है। उसके बाद में ये है, कभी कभी यू नो मुझे टोनी स्टार्क बनने का मन करता है, ये खोल क्यों नहीं रहा है, खुल जा भाई, खुल गया। तो यू नो कभी कभी मुझे टोनी स्टार्क बनने का मन करता है, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। ये कभी कभी मुझे शार्लॉक होम बनने का मन करता है, यू नो वॉट शार्लॉक होम, तो कभी कभी है ना मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, यू कैन सी मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद में मैंने नया फ़ोन लिया जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल ही लिया है मैंने, एक दिन पहले। और ये उसका चार्जिंग है अंदर, यू नो ये ईयरफोन है, बस सिंपल। अंदर एक वॉच पड़ी हुई है ये वाली, और ये रेजर का, यू नो ये रेजर का जो है इसके अंदर, और एक लॉजिटेक का भी है, क्या बोलते हैं माउस, अंदर लॉजिटेक का माउस पड़ा हुआ है, वो भी बता नहीं सकता, पूरा हटाना पड़ेगा, बट वॉट एवर। दिस मैग्नीफाइंग ग्लास अगर तुम देख सकते हो, देख रहे हो सेटअप मेरा, ध्यान से देखो जरा। ये है मेरा सेटअप, और ध्यान से देखना तुम्हें, अगर जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए मेरा सेटअप है गाइस, ठीक है। चलो ये छोड़ते हैं, ऐसा कुछ दिखता है, बढ़िया है नो, यू नो अच्छा सेटअप है, मैं ज़्यादा खिच खिच कुछ कुछ, यू नो सिंपल एंड डिसेंट, और मुझे सिंपल एंड डिसेंट ही पसंद है, ज़्यादा किट किट वगैरह नहीं पसंद है। मैं यू नो नाइट में और मस्त दिखता है ये, ठीक है, बट कैमरा क्वालिटी उतना कैचअप नहीं कर पाता नाइट में, तो मैं नाइट का भी डाल दूँगा कि नाइट में कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ें। चलो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो रख देते हैं अपन उसकी जगह पे, ठीक है, ये अपन ने रख दिया, ये बंद कर दिया। उसके बाद में दूसरे ड्रॉवर में, ओए ये भी मेरा नहीं है, किसका है ये, हट। उसके बाद में हम जाते अपना लास्ट है अपना डोर, ठीक है, ये डोर पे मेरे कपड़े वगैरह लटकते हैं और कुछ नहीं, स्किपिंग रोप है जैसे कि तुम देख सक रहे हो ये वाली, ठीक है। उसके बाद में ये है मेरा क्या बोलते अपना ग्रिपर, यू नो अभी इसकी मुझे आदत हो चुकी है, ज़्यादा कुछ ताकत लगता नहीं इसमें, तो मैं फिंगर से कभी कभी कर लेता हूँ ऐसे, नो वॉटएवर। इसके बाद में बोर्ड पड़ा हुआ है, इसके बाद में ये हवा मारने के लिए, जो जिसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये मेरे रूम में, आई डोंट नो क्यों। और उसके बाद में ये यू नो लाइक आजकल मैं कैलिस्टेनिक्स कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से ये यूज़ करना पड़ता है कलाइयों में, तो बड़ा काम में आता है ये चीज़ें, यू नो सपोर्ट के लिए। उसके बाद में अगर हम अपना खिड़की में देखें, ये पर्दे लगे हुए, अगर तुम देखोगे मेरा सेटअप ध्यान से, ठीक है, तो जो पर्दे हैं वो ब्लैक एंड वाइट है, और जो मेरा सेटअप है वो भी ब्लैक एंड वाइट है, ये ब्लैक, ये सॉरी ये वाइट, ये ब्लैक ब्लैक, ये पूरा वाइट है टेबल, और सारी चीज़ें मतलब ब्लैक एंड वाइट सेटअप कर रखा। आई नो कि जो वॉलपेपर है वो भी मुझे ब्लैक एंड वाइट करना है, बट मैंने कोई टाइगर का वॉलपेपर लगा रखा है, सॉरी लायन का,
बट मैं जल्दी उसको बदलूँगा, बट वो ज़्यादा अच्छा लगता है सनसेट वाला। अभी मैं पीसी का लॉक ओपन करेंगे, बट अभी नहीं, वेट अ मिनट। उसके बाद में आता अपना ये खिड़की, ठीक है। खिड़की अगर खोलो तो सामने बिल्डिंग है, यहाँ पे इस मॉनिटर वगैरह साफ़ करने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद में ये रोलर, जो जब मेरा बैक वगैरह पेन होता है तो उसको यू नो मैं इसके ऊपर लेट के अपने आप को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद में ये भी मेरे कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट के लिए, पुशअप्स वगैरह करने के लिए इजी होता है इस पर। ईजी बोलेगा तो इन द सेंस क्या बोलते हैं, हेल्प हो जाती है, अच्छा यू नो प्लांज वगैरह करने के लिए ग्रिप मिल जाता है ना इसलिए। उसके बाद में चलो अभी अपन ओपन करते हैं। मतलब कुछ पहले ही ऐसे खुलता है, ठीक है। ये वाला वॉलपेपर है, मुझे सजेस्ट करना कि मैं कौन सा वॉलपेपर रखूं, कोई ब्लैक एंड वाइट रखूं तो ज़्यादा सही लगेगा या फिर कब सही लगेगा। मैं इसकी पिक भी डाल दूंगा, एक अच्छी वाली पिक, क्योंकि वीडियो में उतना अच्छा आएगा नहीं, आई नो दैट, ठीक है। उसके बाद में और कुछ नहीं यार, और ज़्यादा कोई रूम एकदम खाली रहता मेरा मेनली, देखो अगर तुम देखोगे तो, ठीक है, रूम पूरा खाली रहता है। यहाँ पे ये भी मुझे बाहर रखना था, बट आई डोंट नो क्यों है ये मेरे रूम में, मुझे नहीं पता, वॉट एवर, ठीक है। बस इतना ही है यार, और कुछ ज़्यादा नहीं है। स्पेक्स को मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ये सेकंड मॉनिटर है जिसमें मैं चैट वगैरह पढ़ता था, और बस सिंपल यू नो, और कुछ नहीं। और मेरे पीसी में अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एपेक्स भी नहीं है अभी, सिर्फ मैंने EA इंस्टॉल करके रखा है, और जो मैं GTA 5 खेलता हूँ, नाइट का एक फ़ोटो खींच के रखूँगा, मैं वीडियो में डाल दूँगा कि नाइट में कैसा दिखता है मेरा सेटअप वगैरह, ठीक है। बाकी तो बहुत बहुत बढ़िया सेटअप है, ठीक है। आई एम हैप्पी विथ माई सेटअप। अभी मुझे अपने सेटअप में यू नो एक ही चीज़ चाहिए कि भाई इस सेटअप से पैसा आए, मतलब मैं काम करूँ और इससे पैसा आए, देखते लेट्स सी कब तक आएगा। ओके कोई ना, ठीक है, यहीं पे आई थिंक मुझे अपना सेटअप वगैरह एंड करना चाहिए। चलो बाय बाय, यहीं पे आई थिंक मुझे लगता है एंड करना चाहिए। चलो बाय बाय।